श्रुति। पूर्वोत्तरीय राज्य मणिपुर में सुरक्षा बलों के काफिले पर उग्रवादियों ने बड़ा हमला कर दिया है। शनिवार को चूड़ा चांदपुर जिले के सिनघाट सब डिवीजन में यह हमला हुआ है। उग्रवादियों के हमले में 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर, उनकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई है। इसके साथ ही मीडिया में कई और जवानों के शहीद होने की खबर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले से घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया। असम राइफल्स यूनिट के काफिले में क्विक रिएक्शन टीम के साथ कमांडिंग ऑफिसर और उनका परिवार भी शामिल था। वारदात के बाद पूरे इलाके को घेर कर तलाशी शुरू कर दी गई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए इसकी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पैरामिलिट्री और राज्य के सुरक्षा बल उग्रवादियों को ढूंढ कर ठिकाने लगाने के काम में जुट गए हैं। आपको बता दें कि ये इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इससे पहले 5 नवंबर को श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के सामने आतंकियों ने सेना के जवानों पर हमला किया था। नागरिकों की मौजूदगी का फायदा उठाकर आतंकवादी भागने में सफल हो गए थे। आतंकवादी संगठन गाजी स्क्वाड ने बेमिना में सुरक्षा बलों पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। संगठन ने कहा था कि हमला पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जीत पर जश्न मनाने वाले लोगों पर दर्ज FIR के विरोध में किया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से आतंकी आम लोगों और सुरक्षा बलों पर छुपकर हमला कर रहे हैं। पिछले महीने घाटी में आतंकियों ने 5 नागरिकों की हत्या कर दी थी। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में इन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।